हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मंसूर। वेलकम टू माय चैनल 3NB इन्फो। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बीम की हाइट ज़्यादा ज़रूरी है या उसकी विड्थ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें 3MB इन्फो। ये दोस्तों, ये देखें हमारे पास ये डायग्राम है। डायग्राम के अंदर ये देखें 1 एंड 2 दो तरह की मसाले दी गई हैं। ये देखें, एक में देखें विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, और ये दूसरी में देखें हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है। ये देखें, ये 1 वाली में देखें बीम की हाइट ज़्यादा है, और ये देखें दूसरी वाली में बीम की विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बीम है। देखें बीम के सेंटर में उसने लोड अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो बीम जो है वो हाइट ज़्यादा होने की वजह से बेंड नहीं हो रहा। ठीक है, और ये देखें दूसरी तरफ ये है जिसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। देखिए उसने भी इसके सेंटर में लोड अप्लाई किया है, और ये देखें ये सेंटर से बेंड हो रहा है। ये ऊपर मिसाल ये देखें, ये दूसरी उसने भी एग्जाम्पल दी हुई ऊपर, जिस बीम की डेप्थ या हाइट ज़्यादा हो वो देखिए उसके सेंटर में एलिफेंट आए। एलिफेंट का कम से कम 3 से 4 टन वज़न होता है। ये देखिए वो सेंटर में उसने अप्लाई किया लेकिन वो बेंड नहीं हुआ। अगर इस बीम की विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी तो ये देखिए, ये अगर एलिफेंट सेंटर में आएगा, अगर हम 3 से 4 टन लोड अप्लाई करेंगे इसके सेंटर में, तो ये सेंटर से बेंड हो जाएगा। ये देखें, पिक्स की मदद से आपको समझाने का मकसद यही है, बीम में डेप्थ और उसकी हाइट बहुत ज़रूरी होती है विड्थ की निस्बत, क्योंकि बीम की जितनी डेप्थ और उसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास ये स्केल है, ये देखें ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, और ये जो हमारे पास है विड्थ है। देखिए मैं इसके सेंटर में जब लोड अप्लाई करता हूँ तो ये देखिएगा, ये देखिए ये बेंड होता है। ठीक है, और इसी स्केल को हम अगर दूसरी तरह ले लें, ये हम इसकी हाइट ले लें और ये इसकी विड्थ ले लें, और यही देखिएगा अब मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करता हूँ, ये देखें ये बेंड नहीं हो रहा। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें दोस्तों ये बेंड हो रहा है, और अगर मैं इसे इस तरह बेंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं होता। ये देखें नहीं होता ये बेंड। ठीक है दोस्तों, आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए पता चल गया होगा कि बीम में हाइट ज़्यादा ज़रूरी है या विड्थ ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें दोस्तों, बीम की जितनी भी हाइट और डेप्थ ज़्यादा होगी उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।